Hello children, how are you all? I hope you all are healthy and happy with your parents at your home. So, today we will learn some basic colors name. Aaj hum kuch basic colors ke name ke bare mein learn karenge. This is red color. Which color is this? Red color. You all will speak with me. Aap sab mere saath bolenge. This is red color. Now we will see what are those objects which are of red color. Aise kaun-kaun se objects hote hain jo red color ke hote hain. This is apple. Apple red color ka hota hai and apple is a healthy fruit. Apple बहुत healthy fruit होता है and apple is a sour and sweet in taste. Apple थोड़ा खट्टा मीठा taste का होता है. आप सबने apple eat किया है, so आपको पता होगा. Apple खाने से हम बहुत healthy हो जाते हैं and हमें doctor के पास नहीं जाना होता है. इसलिए हम कहते हैं an apple in a tree keeps doctor away. So, the color of apple is red. This is rose. Rose is also of red color. Rose ka color bhi red hota hai. And rose is a beautiful flower. You can see in the picture. Aap dekh sakte hai. Rose kitna sundar dikh raha hai. And rose gives pleasant smell. रोज हमको सुगंधित खुशबू भी देता है. This is tomato. Tomato is a vegetable and it is also in red color. Tomato भी red color का होता है और ये round shape का होता है. And आपकी मम्मा dishes में tomato का use करती है ना? आप कोई भी dish खाते हो उसमें आपको tomato का taste आता है. The taste of tomato is sweet and tart. मतलब थोड़ा खट्टा-खट्टा सा उसका taste होता है. This is yellow color. Which color is this? Yellow color. You all will speak with me. This is yellow color. This is mango. Mango hai ye and mango is a national fruit. Mango ka color bhi yellow hota hai and it has only one big seed. Mango mein ek bahut bada seed hota hai and we all love mango. Hum sabko mango bahut pasand hai. Mango ka taste kaisa hota hai? Meetha meetha. It tastes sweet. This is school bus. आप जब स्कूल आते हैं तो उस स्कूल बस का कलर क्या होता है? येलो होता है. And you know what kids? उस हमारी स्कूल बस का कलर येलो क्यों होता है? Because हम उसको easily identify कर सके. ये वही स्कूल बस है जिस पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ happy happy स्कूल आते हैं. अपने पापा मम्मी को टाटा बाय बाय करके आते हैं. So, the color of school bus is yellow. This is sun. You all know, आप सभी जानते हैं, ये sun है. क्या आप देख सकते हैं picture में? कितना smiling sun है. Sun कैसे smile कर रहा है? And sun gives sunlight to us. Sun हमको sunlight देता है. It shines very bright. Sun morning में आता है. हम सबको जगाता है. The color of the sun is yellow. This is blue color. Which color is this? Blue color. आप मेरे साथ बोलेंगे, loudly बोलेंगे. Which color is this? It is blue color. This is peacock. ये peacock है. And it is a national bird.
ये नेशनल बर्ड है, पिकॉक का कलर भी ब्लू होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट पिकॉक इज ऑफ ब्लू कलर। एंड यू नो व्हाट, व्हेन रेन केम्स, जब बारिश आती है, पिकॉक विल डांस, पिकॉक डांस करती है एंड इट लुक वेरी ब्यूटिफुल, ये उस टाइम बहुत सुंदर लगती है। सो द कलर ऑफ द पिकॉक इज ब्लू। दिस इज स्काई। आप सभी को पता है स्काई क्या है। सो स्काई का कलर भी ब्लू होता है एंड स्काई में एयरप्लेन फ्लाई करता है, हम काइट से भी प्ले करते हैं, स्काई में बर्ड्स फ्लाई करती है, क्लाउड्स होते हैं, सन होता है, नाइट में स्टार एंड मून होता है। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। दिस इज अर्थ। ये अर्थ है, इट इज राउंड इन शेप एंड द कलर ऑफ द अर्थ इज ब्लू। यू नो व्हाट चिल्ड्रन, अर्थ क्या होती है? ओके आई विल टेल यू, अर्थ पर हम सब लोग रहते हैं, वी लिव ऑन द अर्थ। सो द कलर ऑफ द अर्थ इज ब्लू। आज आप सब लोग अपने पापा मम्मी को बताएंगे दैट वी लिव ऑन अर्थ, हम सारे लोग अर्थ पर रहते हैं। दिस इज ऑरेंज कलर। विच कलर इज दिस? ऑरेंज कलर। यू ऑल विल स्पीक विथ मी एंड स्पीक लाउडली, दिस इज ऑरेंज कलर। दिस फ्रूट नेम इज ऑरेंज। इस फ्रूट का नाम ऑरेंज है एंड इसका कलर भी ऑरेंज है। एंड दिस फ्रूट गिव अस विटामिन सी। ये फ्रूट हमको विटामिन सी देता है। इट टेस्ट स्वीट एंड टार्ट। इसका टेस्ट भी खट्टा मीठा होता है, मोस्टली खट्टा होता है। दिस इज बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक आउटडोर गेम है। जब आप बड़े हो जाएंगे देन यू विल प्ले दिस गेम एट बास्केटबॉल कोर्ट। जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप ये गेम प्ले करेंगे। सो इसमें आई जो बॉल है, आप देख सकते हैं ये बॉल है राउंड राउंड शेप की, ये भी ऑरेंज कलर की है। द कलर ऑफ द बास्केटबॉल इज ऑरेंज। दिस इज मैरीगोल्ड फ्लावर। ये एक फ्लावर है जो ऑरेंज कलर का होता है। एंड यू नो व्हाट, व्हाट इज द यूज ऑफ मैरीगोल्ड, हम मैरीगोल्ड को किस में यूज करते हैं? जब आपके एल्डर्स मीन्स आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भगवान जी की पूजा करते हैं तब वो मैरीगोल्ड फ्लावर भगवान जी को चढ़ाते हैं। व्हेन वी वर्शिप टू गॉड वी गिव दिस फ्लावर टू गॉड। सो द कलर ऑफ द मैरीगोल्ड फ्लावर इज ऑरेंज। दिस इज ग्रीन कलर। ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। अगेन यू विल स्पीक विथ मी, दिस इज ग्रीन कलर। यू ऑल नो दिस पिक्चर, आप सभी को पता है ये क्या है? हु विल टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज ट्री। ये ट्री है एंड ट्री के पास दो कलर होते हैं, अपर पार्ट ग्रीन कलर का होता है एंड बिलो पार्ट ब्राउन कलर का होता है। अपर पार्ट ग्रीन कलर का होता है बिकॉज अपर पार्ट पे बहुत सारी लीव्स होती है, छोटी छोटी बहुत सारी लीव्स होती है, क्योंकि लीव्स का कलर भी ग्रीन होता है। सो द अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज ग्रीन। दिस इज ग्रेप्स। ये एक फ्रूट है एंड इसका कलर भी ग्रीन होता है। इट टेस्ट वेरी स्वीट। ये बहुत मीठा मीठा होता है एंड वी ऑल लव टू ईट दिस फ्रूट। दिस इज बॉटल गॉर्ड। ये एक वेजिटेबल है, इट इज अ वेजिटेबल एंड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लौकी। इसको हम हिंदी में लौकी बोलते हैं
एंड इसका कलर ग्रीन होता है। एंड चिल्ड्रन यू नो व्हाट, ये बहुत हेल्दी वेजिटेबल है। इसको ईट करने से हम ब्रेव एंड स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वेजिटेबल, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं जो हमको विटामिन देते हैं, आयरन देते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो हम सभी को ग्रीन वेजिटेबल्स ईट करना चाहिए। अब आप सब भी ग्रीन वेजिटेबल्स ईट करना, जिससे कि आप सभी लोग हेल्दी एंड स्ट्रांग बन जाए। दिस इज ब्लैक कलर। विच कलर इज दिस? ब्लैक कलर। यू ऑल विल स्पीक विद मी, दिस इज ब्लैक कलर। यू कैन सी इन द पिक्चर, क्या आप देख सकते हैं पिक्चर में एक बॉय है एंड एक गर्ल है। आप देख रहे हैं इनके हेयर्स वो ब्लैक कलर के हैं। सो इसका मतलब ये है हमारे जो हेयर्स होते हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं। ओके चिल्ड्रन, टच योर हेयर, अपने हेयर को टच कीजिए एंड सी वो किस कलर के हैं। इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर। सो जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सब के हेयर ब्लैक कलर के होते हैं। दिस इज टायर। टायर राउंड शेप का होता है एंड वो भी ब्लैक कलर का होता है। एंड डू यू नो टायर का क्या वर्क है, टायर का क्या यूज़ है, टायर को हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं? आई विल टेल यू, टायर टायर हम व्हीकल्स में लगाते हैं। बिना टायर के कोई भी व्हीकल रोड पर रन नहीं कर सकता। विदाउट टायर नो व्हीकल कैन रन ऑन द रोड। व्हीकल्स के नेम पता है आपको? जैसे कि बस, कार, स्कूटर, साइकिल, वैन, ये सारे व्हीकल्स बिना टायर के नहीं रन कर सकते हैं। दिस इज एन आंट। ये आंट है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चींटी। एंड आंट इज अ इंसेक्ट। आंट एक इंसेक्ट है एंड हम सबके घरों में होती है। आपने देखा है अपने रूम्स के फ्लोर पे छोटी सी आंट होती है। एंड यू नो व्हाट, आंट का वर्क क्या है, वो क्या काम करती है? आपके फ्लोर पे, आपके रूम के फ्लोर पे छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं ना, तो आंट उसको कलेक्ट करने आती है एंड वो अपने हाउस में उसको ले जाती है। आंट विल कलेक्ट द स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंड स्टोर इन देयर होल। वो अपने होल में उनको स्टोर कर लेती है। दिस इज वाइट कलर। विच कलर इज दिस? वाइट कलर। अगेन यू विल स्पीक विद मी, दिस इज वाइट कलर। ओके, ये तो सभी को पता है ये क्या है। यस, दिस इज मिल्क, जो सारे बच्चे इसको मॉर्निंग में ड्रिंक करते हैं एंड नाइट में भी ड्रिंक करते हैं, क्योंकि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, यू ऑल आर गुड किड्स। सो मिल्क भी वाइट कलर का होता है एंड वी हैव टू ड्रिंक मिल्क ट्वाइस इन अ डे। हमको दिन में दो बार मिल्क ड्रिंक करना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्दी। ये हमको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। दिस इज एग। एग भी वाइट कलर का होता है एंड इट इज़ इन ओवल शेप। ये ओवल शेप का होता है। एग भी एक हेल्दी है, एग भी हेल्दी होते हैं। सो द कलर ऑफ द एग इज वाइट। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर वन मून इज देयर एंड स्टार्स आर देयर। अच्छा, मून को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चंदा मामा। आप लोग नाइट में चंदा मामा से बात करते हैं ना, ये वही मून है। एंड चंदा मामा का कलर क्या होता है? वाइट होता है। और चंदा मामा के साथ स्काई में स्टार्स भी होते हैं जो ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, शाइनिंग करते हैं, उनका कलर भी वाइट होता है। सो अब आपको पता चल गया ना कि आप नाइट में जिनसे बात करते हैं स्टार और मून से, उनका कलर भी क्या होता है? वाइट होता है।
Now children, we will revise our basic color. हम फिर से अपने basic color revise करेंगे. First one is red, second one is blue, third one is orange, fourth one is green, fifth one is yellow, sixth one is black and seventh one is white. Means हमने 7 basic color name याद learn किए हैं. So अब आप लोग अपने मम्मा के साथ इसको रोज repeat करेंगे, learn करेंगे. And जब आपको ये learn हो जाएंगे, फिर you will do one homework. आप एक homework करेंगे. I will show to you. This is your homework. Find out one object of each basic color in your home. आपको अपने house में हर 7 basic color का एक एक object search करना है और उसको collect करके रखना है. है ना interesting? Children, I hope you like this video. आपको भी interest आया होगा कि अब हम भी ये colors name learn करेंगे and हमारे house में ना जितने भी objects हैं उनके color identify करेंगे. So, repeat and repeat the colors name again, जिससे कि आपको learn हो जाए. Till then, have a nice day. Stay home, stay safe. Bye everyone.